कामना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी माँ एक छात्रावास माँ दारूखोरी है। दारूखोरी दबंगन के द्वारा किए गए जौने माँ 8 से 10 लगभग संख्या रही। एक छात्र व्यथित हुई कि वीडियो बनाई और ओके बाद वह वीडियो का सोशल मीडिया में वायरल कर दिए। लगभग 20 घंटा बीत जाए के बाद जो है वो छात्रन के मेडिकल करावा जाला है। सबसे बड़ी बात कि पहले था छात्रावास के भीतर जो सीधी के जमुड़ी थाना अंतर्गत है वहाँ दारूखोरी है और वह दारूखोरी के बाद जब वो लड़का के बारे में जानकारी है कि वीडियो वायरल हो गया है तो वो लड़का के साथ मारपीटों के लिए। हालांकि पुलिस लगभग 20 घंटा बाद FIR दर्ज करी सी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना वक्त काहे लग गया। सवेरे 8:30 बजे यह पूरा घटनाक्रम होता है, लेकिन लगभग अभी 4 बजे वाले हैं और यह 4 बजे जो है 3 लड़कन के मेडिकल करावा जाला है। जो सीधी के नौढ़िया माँ छात्रावास माँ वो लड़का रह रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन दबंगन के आतंक ऐसा कि छात्रावास के अंदर खुलेआम दारू मुर्गा बकरा की पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अब अपना जैसा कि देख रहे हैं कि ये लड़कन का अब ले जावा जाला है। अजय अपने के नाम है, कुछ बोले चाहिए थे? नहीं, चलिए हालांकि कुछ बोले नहीं चाह लगा ही ठीक है। लड़का डेरानो है कि कहाँ उनके साथ दोबारा मारपीट न हुए। सबसे बड़ी बात कि जमोड़ी थाना पुलिस लेके आई है वो लड़कन का मेडिकल करावे खातिर, ओके बाद अभी लड़कन का छात्रावास पुणे छोड़े जा लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह पूरे मामला में सवाल कई एक तरह के हैं लेकिन जवाब नहीं। AC ट्राइबल डॉक्टर DK द्विवेदी से हम बात करने के प्रयास करें, कहे कि लगभग हूँ 12 बजे से 3 बजे तक थाना के अंदर बैठ रही है, लेकिन जब बाहर निकले तो बोले से इनकार कर दी। कहीं लड़कन के MLC होल लागे उठ जाए लागे, लेकिन हम अस्पताल के वह MLC वाली जगह में पहुँचे हैं लेकिन डॉक्टर DK द्विवेदी इठे नहीं आए। सर, छात्रावास से 3 लड़के आए थे, क्या कुछ आपने मेडिकल MLC बनाई हो? हमें उन्होंने बताया कि हमें कुछ लोगों ने वहाँ पे कान में मतलब पकड़ के मेरे को कान में थोड़ा सा फेस साइड मारा है तो उसकी वजह से पेन हो रहा है, इंटरनल पेन हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने MLC में मेंशन किया हुआ है। नहीं, आपने क्या भौतिक सत्यापन किया कि और कहीं अंदरूनी चोट या? नहीं, उनको ऐसा कोई अंदरूनी चोट का प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे, इंटरनली बस उन्होंने फेस में मेरे को एक्चुअली में बताया कि फेस में पेन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने MLC बनाई है। कितने बच्चे आए थे आपके पास छात्रावास? 3 लोग आए थे हमारे पास। किस थाने के अंतर्गत आए थे? सब अलग अलग थाने से थे। नहीं, 3 लोग थाने से इनकी MLC के लिए आए थे? एक सेकेंड, ये कमरजी थाने से थे आए थे। जमोड़ी थाना, सॉरी जमोड़ी थाना से थे। शुभ नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर पवन गुप्ता। चलिए तो हमारे साथ रहे डॉक्टर पवन गुप्ता जिनके द्वारा MLC की गई है लड़कन के, और लड़कन के द्वारा यह बतावा गया कि उनके कान में मारा गया है। हालांकि को मारिस का मारिस यह तो पुलिस स्पष्ट करी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि छात्रावास में लड़कन के साथ मारपीट की पुष्टि डॉक्टर खुद कह रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह कि यह बेहद गंभीर मामला है, आदिवासी छात्रावास के अंदर यह पूरा घटनाक्रम भा है, लेकिन यह घटनाक्रम घटिया वीडियो वायरल न हो तो का FIR दर्ज हो? दबंगन के हौसला इतना बुलंद कि आदिवासी छात्रावास का अब अहाता में तब्दील कर दी है। एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अहाता का बंद कराए रहे हैं, दूसरे ओर दबंगन के द्वारा अब छात्रावासन का अहाता बनाए दिया जा रहा है। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।
जो रजिस्टर वो ला के दिया, ये ला के दिया था, ये ला के दिया था आपने मेरे को।